नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजन अलायंस यानी कि इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार 1 अगस्त को पुणे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इस पर गठबंधन के कुछ नेताओं ने चिंता जाहिर की है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि शुक्रवार को इंडिया ब्लैक के फ्लोर लीडर्स की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने उस समारोह में पवार के मुख्य अतिथि होने पर चिंता जताई, जिसमें मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। सूत्र ने दावा किया है कि ऐसे सुझाव आए हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एनसीपी नेता से बात कर उसमें समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं को लगा है कि जब समान विचारधाराओं की विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ पवार का मंच साझा करने से बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे कहा गया जा रहा है कि मोदी के साथ मंच साझा कर पवार इंडिया ब्लॉक की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें बनने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा और इससे लोगों के बीच एक गलत संदेश भी जाएगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना आतंकी संगठन इंडिया मुजाहिदीन से की है। एनसीपी प्रमुख तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पवार मोदी को पुरस्कार सौंपेंगे। इस बीच इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होगी और शिवसेना और पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी इसकी मेजबानी करेगी। शनिवार को विपक्ष पार्टियां 20 सदस्यों का डेलीगेशन 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर जा रहा है। इस दौरान मणिपुर हिंसा प्रभावित इलाकों घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों को 16 पार्टी सांसद दौरा करेंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजन अलायंस के नेता हिंसा प्रभावित लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की जमीनी हालात का जायजा लेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और संसद से अपील करेगा। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई बात खटकने वाली रही है तो वो रही है शरद पवार से नाराजगी। विपक्ष ने शरद पवार से नाराजगी जाहिर की है और जो है अब शरद पवार ने भी कहीं ना कहीं मोदी से हाथ मिलाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि अब वो मोदी के साथ शामिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।